दुनिया भर में कई ऐसी जगहें हैं जो रहस्य से भरी पड़ी है और इन गुत्थियों को वैज्ञानिक आज तक समझ नहीं पाए हैं, तो कई जगह के रहस्यों को कुछ हद तक सुलझा सके हैं। तो चलिए आज बात करते हैं दुनिया की कुछ ऐसी जगहों की जो हमें अचंभित करती है। नंबर एक, एटर्नल फॉल्स न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के दूरदराज के क्षेत्र में इस जगह पर झरना बहता है जिसमें एक जलती हुई लौ दिखाई देती है। देखने वाले हर शख्स को ये आश्चर्य होता है कि आखिर ये लौ यहाँ पर जल कैसे रही है। संशोधन के बाद वैज्ञानिकों को पता लगा कि उस चट्टान के नीचे से मीथेन गैस निकल रही है जो सालों से जल रही है। हो सकता है कि 20वीं सदी की शुरुआत में किसी ने इस मीथेन गैस में आग लगा दी और तब से लेकर अब तक ये लगातार जल रही है। नंबर दो, द पेट्रीफाइंग वॉल। उत्तरी यॉर्कशायर में कंकल के चेहरे की तरह दिखने वाली एक चट्टान से पानी गिरता है। यहाँ की खास बात यह है कि आप इस पानी के नीचे जो कुछ भी रखेंगे वो पत्थर बन जाएगा। इस प्रक्रिया में आमतौर पर 3 से 5 महीने लगते हैं। आप झरने के नीचे अपनी कोई भी चीज छोड़ के जाएंगे और कुछ महीने बाद वापस आएंगे तो आपको वो चीज पत्थर के रूप में मिलेगी। लोगों ने यहाँ टेडी बियर से लेकर साइकिल तक छोड़ रखा है और हर वस्तु मूर्ति में तब्दील हो चुकी है। दोस्तों, लंबे समय तक लोगों का मानना था कि ये जगह श्रापित है। हालांकि आज वैज्ञानिकों ने पाया है कि यहाँ के पानी में असामान्य रूप से उच्च खनिज मौजूद है और इसलिए ये पानी जिस किसी भी चीज पे गिरता है उस पे कुछ समय बाद कठिन खनिज का खोल बन जाता है जिसे छूने पर पत्थर सा महसूस होता है। नंबर तीन, पेमुगल तुर्की। तुर्की के पेमुगल में स्थित ये जगह अपने आप में एक अजूबा है। इस जगह पर 17 प्राकृतिक गर्म पानी के झरने हजारों सालों से मौजूद है जिन्हें हॉट स्प्रिंग्स कहा जाता है। इन कुदरती स्विमिंग पूल्स को देख के ये लगता है कि ये किसी विकसित सभ्यता द्वारा बनाए गए हैं, पर वास्तव में यहाँ के पानी में मौजूद खनिज जब बाहरी हवा के संपर्क में आते हैं तब कैल्शियम कार्बोनेट का गठन होता है जो कि हजारों सालों से इन झरने के किनारों पर जमा होता रहा है, जिस वजह से इन झरनों ने स्विमिंग पूल जैसा आकार ले लिया है। इन हॉट पूल में पानी का तापमान 37 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। नंबर चार, रिलाम्पेगो डेल कैटेटुम्बो। वेनेजुएला के दक्षिण पश्चिम किनारे मोराकेबो लेक है और यहाँ पर हर दिन हर रात बिजली गिरती है। बिजली का ये तूफान कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। इस झील के कोनों में पहाड़ों के ऊपर दुनिया की सबसे तेज आवृत्ति से बिजली गिरती रहती है और यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर में हर साल 250 बार बिजली गिरने का रिकॉर्ड है, और जबकि यहाँ पे हर रात 200 से ज्यादा बार बिजली गिरती है। अभी तक कोई निश्चित तौर से ये नहीं जानता कि इस एक ही जगह पर इतनी बार बिजली क्यों गिरती है। यहाँ के पहाड़ों और जमीन को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिक कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। सन 2010 में बिजली का ये तूफान अचानक बंद हो गया था और कुछ 6 हफ्तों की शांति के बाद ये फिर से शुरू हो गया जो आज तक नहीं थमा। नंबर पांच, मैग्नेटिक हिल लद्दाख इंडिया। भारत के लद्दाख में एक ऐसी जगह है जहां पर बिना स्टार्ट किए ही गाड़ी चलने लगती है, मतलब अगर गाड़ी न्यूटन में हो तब भी खिंचाव की वजह से आगे सरकती जाती है। माना जाता है कि समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर यह हिल मेटल को अपनी ओर खींचती है, जिस कारण ऊपरी ढलान में भी गाड़ियां बिना स्टार्ट किए उस हिल की ओर बढ़ती चली जाती है। इस जगह की असली वास्तविकता आज भी अनसुलझी है और रिसर्च आज भी जारी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हो सके उतने कमेंट करें। और अगर आप द नॉलेज पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।